तो दोस्तों रॉ रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू लेके आए हैं वर्लपूल के ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन का। साथ ही आपको बता दूं इसका जो नाम है, इस कैटेगरी का नाम है वर्लपूल वाइट मैजिक एलाइट। ये 7 kg में है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है वो है 6 sense। साथ ही इसमें पावर स्क्रब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। और इसकी प्राइसिंग और इसके अलावा इसकी वारंटी और भी इसमें कई खास फीचर है, बात करेंगे इस वीडियो में, देखते रहिए। तो शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि आप इसका कलर देख रहे हैं, मैरून कलर, बहुत ही मतलब शानदार, मतलब सुकून देने वाला कलर है। और गंदगी भी स्टेन अगर इसमें लगता है वॉशिंग मशीन के ऊपर तो दिखाई नहीं देगा, छोटा मोटा तो चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा मैं बता दूं ये वॉशिंग मशीन 5-star रेटिंग के साथ आता है। 5-star रेटिंग यानी जितनी रेटिंग उतनी ही बिजली की बचत। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कैमरा क्लोज कर दिया और आप देख रहे होंगे इसकी ब्रांडिंग वर्लपूल की, साथ ही साथ इसमें 6 sense दे रखा है। 6 sense वॉश आखिर है क्या? इसमें 1, 2, 3 ये 6 sense है। अब इसमें 6 sense में खासियत क्या है? पहला है पावर का, दूसरा प्रोग्राम और तीसरा स्टार्ट एंड पॉज। अब ये आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। इसमें एक्चुअली वॉशिंग के लिए 12 प्रोग्राम दे रखे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे P1, P2, P3 और ये P12 तक जा रहा है, जिसमें डेली वॉशेज कपड़े कैसे हैं, डेली वॉशेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसको वॉश करना है उसके लिए ऑप्शन है, हैवी है उसके लिए अलग ऑप्शन है, डेलिकेट है, वाइट है, स्ट्रेन वॉश है, इको वॉश है, वूलन्स है, बेडशीट है, ऐसे कई सारी कैटेगरी हैं। 12 आपके ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं, उस कैटेगरी में डाल सकते हैं और उसमें प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा टाइमर में, ये देख सकते हैं आप, टाइम रिमेनिंग में ऑप्शन आएगा और यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ इसका जो प्रोसेस है वो 4 कैटेगरी है। पहला है सोकिंग, कपड़ा सोक करेगा आपका। सेकेंड होगा वॉश, कपड़े की धुलाई करेगा। तीसरा होगा राइजिंग कर देगा, पानी जो होगा, जो गंदा पानी होगा उसका निकाल देगा। साथ ही उसके बाद ड्राई करेगा आपके कपड़ों को। तो ये इसके 4 प्रॉपर फंक्शंस हैं जो कि ये प्रोसेस वाइज चलते हैं। अब बात करें इसके एक्सप्रेस वॉश की। एक्सप्रेस वॉश आखिर है क्या? एक्सप्रेस वॉश में एक्चुअली आपके साथ ये फीचर, आपको ये खासियत और ये ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको कपड़े 50% फास्टर आपको अगर धोने हैं, साफ करने हैं, तो आप एक्सप्रेस वॉश में जाके चुन सकते हैं। यूजली एक एग्जांपल दे दूं, डेली वॉश का अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसमें 50 मिनट लगता है कपड़े को धुलने में, लेकिन जब आप एक्सप्रेस वॉश में जाएंगे तो वो आपका 50% टाइम लेस हो जाएगा, फटाफट आपके कपड़े धुल जाएंगे। साथ ही इसमें डिले का ऑप्शन है, जैसे कि आप देख रहे हैं डिले के ऑप्शन में ये है कि जैसे आपको अगर कपड़ा धोना है और मॉर्निंग में धोना है तो आप इसमें कपड़े डाल दीजिए और टाइमर सेट कर दीजिए, अर्ली मॉर्निंग जैसे ही होगा आपके कपड़े सुबह ऑटोमेटिक धुल जाएंगे और ड्राई होके इसी में रखे रहेंगे। बस आपको धूप में थोड़ा सा दिखाना होगा ताकि उसका जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो निकल जाए। और कभी कभार मैंने देखा है कई जगह पे जहाँ पे हार्ड वाटर आता है, अब हार्ड वाटर से काफ़ी दिक्कत होती है, कपड़े धुल नहीं पाते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इसलिए इसमें हार्ड वॉश वाटर का ऑप्शन दे रखा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इससे एक फ़ायदा ये मिलता है कि आपके कपड़े ईजिली धुल जाते हैं इस वॉशिंग मशीन में, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। ये इसका एक बेस्ट फीचर है जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें स्मार्ट सेंसर का भी ऑप्शन लिखा हुआ है। अभी स्मार्ट सेंसर है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। स्मार्ट सेंसर का काम ये है कि आपके वोल्टेज जो लेवल है जो उसमें वॉशिंग मशीन में आ रहा है उसको स्टेबलाइज करना है, साथ ही वाटर प्रेशर को स्टेबलाइज करना है, साथ ही वॉश लोड जो कपड़े का लोड है उसको मेंटेन रखता है, और इसके अलावा आपके फैब्रिक का जो टाइप है उसको भी बैलेंस करता है। इसके अलावा जो आप इसमें डिटर्जेंट डालते हैं उसके भी जो यूजेज है उसको भी लिमिटेड करता है, जरूरत के हिसाब से ही कंज्यूम करता है। तो दोस्तों इसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज किया है जिसका नाम है ZPF टेक्नोलॉजी, जिससे कि आपका जो वॉशिंग टब है वो 50% फास्टर तेजी से वाटर टब आपका भरेगा। इन केस आपके टैप वाटर में जो टैप वाटर आ रहा है उसका प्रेशर अगर लो हो तब भी आपके वॉशिंग टब में 50% फास्टर फिल करेगा वाटर को। ये इसका एक खास फीचर है। जैसा कि मैं आपको इसका वॉशिंग टब आपको दिखाऊं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं उसके जो वॉशिंग टब की जो मोटर का वॉटेज है वो है 360 वॉट। साथ ही ये 740 RPM की स्पीड से घूमता है। तो दोस्तों इसके बात करें, इसके ग्लास की टफ एंड ग्लास है, बहुत ही मजबूत है।
और उसको ओपन करते हुए दिखाता हूँ मैं क्या कुछ खास है इसमें। ये मैंने ओपन कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी बॉडी जो है वॉशिंग टब की स्टेनलेस स्टील है, कंप्लीट स्टेनलेस स्टील है और काफ़ी मजबूत है और अच्छे टाइम तक, ज़्यादा टाइम तक ये चलेगा, साथ निभाएगा आपको। और अंदर आप जैसे देख रहे होंगे, हमने आप बात कही थी पावर स्क्रब टेक्नोलॉजी की, वो यही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे नीचे कपड़ों की अच्छी तरह से धुलाई करेगा, टफेस्ट स्टेन्स टफेस्ट डर्ट रिमूव करेगा बेहतरीन तरीके से, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है, कपड़े भी आपके सेफ रहेंगे और धुलाई भी अच्छी होगी। और ये देख सकते हैं आप डिटर्जेंट का एक चैम्बर दे रखा है, यहाँ पे आपको डिटर्जेंट कपड़ा धोने के लिए यहाँ पे फिल करना है और उसको बंद कर देना है। तो दोस्तों कंपनी ने इसमें एक स्मार्टनेस और करी है, इसमें स्मार्ट लिंट फिल्टर का यूज़ किया है जो कि आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो वॉशिंग के टाइम पे जो भी स्टेन जो भी गंदगी होगी वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों बात करें इसके डायमेंशंस की, इसकी विड्थ की बात करें तो ये 55 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी हाइट 96.5 सेंटीमीटर है। और बात करें इसके डेप्थ की, वो 55 सेंटीमीटर है। ओवरऑल वॉशिंग मशीन का वेट 28 केजी है, जो कि एक डिसेंट वेट है, जिसे आप घर में किसी भी कोने पे कैरी करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ये तो रही अभी तक इसके फीचर की बात, और बात करते हैं इसके वारंटी की। इसकी वारंटी जो है कंपनी 2 साल देती है ओवरऑल प्रोडक्ट पे, जबकि 10 साल देती है इसके मोटर पे। साथ ही इसके प्राइसिंग की बात कर लें, प्राइसिंग की बात करें तो इसके जो कॉम्पिटिटर ब्रांड है LG या सैमसंग, उसके कंपेयर में इसका जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है टॉप लोड, वो सस्ता है। जी हाँ, इसके रेट की मैं बात करूं, रेट इसको आपको अप्रॉक्स 16,000 कॉस्ट करेगा, इससे कम भी हो सकता है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा बढ़ भी सकता है, लेकिन आसपास इसी के रहेगा। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वारी हो, कुछ भी सवाल जवाब हो, आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। तो दोस्तों रॉ रिव्यू चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हम वीडियोज लाते रहेंगे आपके लिए, ऐसे ही अपडेट्स देते रहेंगे, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए।